ये ले बेटा, दाल रोटी खा। देख कितना दुबला पतला हो गया तू, जिम में क्या करता है? अरे मम्मी, ये सब खाने से थोड़ी मैं फिट हो जाऊंगा, मुझे और प्रोटीन चाहिए। नहीं बेटा, दाल में तो बहुत प्रोटीन होता है। नहीं होता। नालायक, क्या बोला तू? वेट वेट, यू थिंक आपके एक बोल राजमा या दाल से आपको इनफ प्रोटीन मिल रहा है? देन यू आर राइट, लेकिन ये आपको इनफ प्रोटीन आपके नाखून के लिए दे रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट हाउ मोस्ट पीपल इन इंडिया ईट, वी कैन ब्रॉडली डिवाइड दिस इन टू मेजर कैटेगरीज। एक जो खाना खाकर पेट भरते हैं, दूसरा जो दिमाग खाकर। सो टू ग्रुप्स, एक जो सोचते ही नहीं है वो कितना प्रोटीन खाते हैं, एंड दूसरे जो सोचते हैं वो बहुत प्रोटीन खाते हैं। एंड इफ यू आस्क द सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट व्हाट दे ईट, दे प्राउडली से, रोज तो एक बाउल दाल खाता ही हूं, रोज एक बाउल तो खाता ही हूं, और राजमा डिनर में जाता ही है, स्नैक्स में तो स्प्राउट्स कंपलसरी है, और इतना प्रोटीन तो बहुत हो गया। इज दिस योर आंसर टू? फिर तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्रश के क्रश इससे आपके क्रश के क्रश को किसे डाला ये स्क्रिप्ट में? जस्ट बिकॉज वी नो हमारे खाने में थोड़ा बहुत प्रोटीन है, वी थिंक वी आर फिट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा टाइप और कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रोटीन जा रहा है। आई एम श्योर आपको लगता है कि प्रोटीन तो प्रोटीन है, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन फूड्स, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट। प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। नाउ लेट्स से देर इज अ कंस्ट्रक्शन साइट एंड यू नीड 9 वर्कर्स टू फिनिश दैट कंस्ट्रक्शन साइट। नाउ सिमिलरली प्रोटीन हैज गॉट 9 अमाइनो एसिड्स। अब एक कंप्लीट प्रोटीन में ये सारे 9 के 9 वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है इससे? द बिल्डिंग गेट्स फिनिश्ड। बट एक इनकम्प्लीट प्रोटीन में ये 9 में से 1 या 2 नहीं रहते हैं, विच इज वाई द बिल्डिंग वर्क नेवर गेट्स फिनिश्ड। सो आपके बॉडी में भी प्रोटीन ये कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, जैसे कि हेयर ग्रो करना, स्किन रिपेयर करना, मसल ग्रो करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, एक हाथ से बिल्डिंग तो ज्यादा हो गया। ये सारे कामों के लिए ऑल 9 अमाइनो एसिड्स एज इन ऑल 9 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब आपका दाल, राजमा, स्प्राउट्स, ये हो गए इनकम्प्लीट, मीनिंग ऑल 9 आर नॉट प्रेजेंट, और आपका पनीर, चिकन, एग्स, टोफू, मिल्क हो गए कम्प्लीट, मतलब ये सारे बॉडी के काम कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को तो घर के बाहर ही फेंक दूं, बट ऐसा नहीं है, आप 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंबाइन करके उसको कम्प्लीट बना सकते हो, विच इज वेरी गुड, एक्सेप्ट 1 प्रॉब्लम, द इनकम्प्लीट प्रोटीन टर्न्ड इनटू अ कम्प्लीट प्रोटीन इज स्टिल नॉट इनफ प्रोटीन। Let's come to the amount of protein required for your body. So the human body needs at least 0.8 grams per kilogram. 80% of Indians are protein deficient और उनको पता ही नहीं है. So let me help you. Protein is basically a biomolecule which is made up of long chain of amino acids. और ये protein आपको देगा your very own brand Alpino with high protein. अरे यार ये क्या यार? I told you I don't do ads यार. Coming back. A human body needs 0.8 grams per kilogram of their body weight in protein every day, which means that agar aap 70 kgs ke ho, aapko minimum 55 grams of protein to chahiye hi per day. Now, one kachori of dal has got only 6 grams of protein. Aapko aise 9 kachori khane honge. Yes, 9 kachori dal. Khao, kha ke batao 9. 9 कटोरी दाल, सोच के भी कुछ कुछ हो रहा है। एनीवे, 1 कटोरी ऑफ दाल हैज गॉट 120 कैलोरीज। सो अगर मान लो आप एक सुपर ह्यूमन हो और आपने 9 कटोरी खा भी लिए, बट यू विल स्टिल कंज्यूम 1000 कैलोरीज जस्ट फ्रॉम दाल। आप खाली दाल ही खाते रहोगे कि कुछ और भी खाओगे दिन में? नाउ इफ यू आर अ वेजिटेरियन, कंपेयर दैट टू 1 कटोरी ऑफ टोफू। एक कटोरी ऑफ टोफू में होता है 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन and only 145 calories. और आपके requirements खाली 3 कटोरी टोफू में खत्म हो जाते हैं and you only consume about 500 calories. And if you're a non-vegetarian, then तो सोने पे सुहागा। 100 grams of chicken breast has got 20 grams of protein and only 120 calories. So आपके पूरे दिन का protein requirement gets over
इन ओनली एंड ओनली 400 कैलोरीज अप्रोक्स। सो खाली इसमें प्रोटीन है उसमें प्रोटीन है करके सब कुछ खा नहीं लेना है। यू हैव टू कंसिडर द कैलोरी डेंसिटी ऑफ एवरी प्रोटीन सोर्स और How will you lose fat and get to your dream body? Now that it's clear that your dal or rajma or sprouts do not have the amino acids or the amount of protein that you need, does it mean we throw them out of our house? Absolutely not. Kyunki dal ka paisa tera ba. Because chole, rajma, dal, sprouts are super rich in vitamins, iron, folate, calcium, phosphorus, potassium, and zinc. Extremely important for your health, performance, and overall well-being. So they should be a part of your diet, but along with other major primary sources of protein. And the best nutritional strategy is to drink your tears. Just kidding. सबके साथ काम नहीं करता. The best nutritional strategy is to choose the primary sources of protein as complete proteins, but then the next food choice should be the secondary sources of protein so that you are not protein deficient at all. कन्विंस हो गए कि और बोलूं? According to the Indian Council of Medical Research, suggests that an average inactive man should aim to eat 40 grams of pulse every day for a balanced diet. As per an IMRB, major cities में protein deficiency की problem है. कोलकाता में 43%, मुंबई में 70%, विजयवाड़ा में 72%, चेन्नई और अहमदाबाद में 82% और लखनऊ में 90%. इन cities में रहने वालों का मानना है कि ग्रीन वेजिटेबल खाने से इनको सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा. Now comes the best part, the quiz. रायचंद और लाल सिंह दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दोनों 9 to 5 जॉब करते हैं, दोनों जिम जाते हैं एंड दोनों ही वीकेंड्स पे स्पोर्ट भी खेलते हैं, लेकिन रायचंद पे ज्यादा लड़कियां लाइन मारती है, बताओ क्यों? अब एक काम करो, ये वीडियो अपने मम्मी को बताओ और घर पे कलेश करो. हेलो, हाँ मेरा ये पनीर और वेजिटेबल्स रेडी रखना, ठीक है? ये वीडियो यहाँ समाप्त हो चुका है. अगर आपको और भी ज्यादा ज्ञान चाहिए तो हमें इंस्टा पर फॉलो कर लें.